महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सोमवार को बाल विवाह रोकने के लिए कलेक्ट्रेट की मुशायरा ग्राउंड से 4 वाहनों को रवाना किया गया। वाहनों को जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि अक्षय तृतीया पर बाल विभाग की आशंका को देखते हुए महिला एवं बाल विभाग द्वारा लगातार सक्रियता से कार्य किया जा रहा है। हमें लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। इसी क्रम में आज 4 वाहनों को लोगों को जागरूक करने के लिए रवाना किया है। पिछले एक साल में लगभग 11 बाल विभाग को विभाग द्वारा रोका गया है। देखिए 3 मई कल जो है अक्षय तृतीया का दिन है और अक्षय तृतीया के दिन कई बार ये शिकायतें आती हैं कि लोग बाल विवाह करते हैं। उसके प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए ये 4 बहन पूरे जनपद में चलाई जा रही है, जिससे लोगों को अवेयरनेस बेसिक मंशा है कि बाल विवाह का हमको पूरी तरह से समाप्त करना है। इसके प्रति लोगों के को अवेयर करना है तो पूरे जिले को 4 जोन में बांट करके 4 बहन चलाई जा रही है। ये डिफरेंट एरिया में जाएगी और लोगों को अपने पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को इस बात के लिए जागरूक करेगी कि बाल विवाह से हमें दूर रहना है, बाल विवाह की प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करना है। इस मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट एमपी सिंह, सीओ सिविल लाइन्स सागर जैन, जिला प्रवेशन अधिकारी प्रिया पटेल, बाल कल्याण समिति की सदस्य बबीता विश्नोई आदि तमाम अधिकारी मौजूद रहे।